वॉट आर दी ऑथर्स राइट एंड परफॉर्मर्स राइट इन दिस? अगर उसको और थोड़ा सा डीप में जानना चाहे तो, कि एक ऑथर है, एक परफॉर्मर है या प्रोड्यूसर है, तो उसके कितने कितने राइट्स हैं? ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं ऑथर्स. ऑथर जो म्यूजिक बनाते हैं, तो एक कंपोजर आते हैं, ठीक है, जो दूसरे आते हैं जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो स्क्रिप्ट राइटर आते हैं. फिर वो तीसरे आते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड, जो मतलब कैमरा मैन होते हैं, तो वो सारे ऑथर्स होते हैं. बट उनके पास एक जो होता है वो अगेंस्ट, भले उन्होंने प्रोड्यूसर से इन राइटिंग में दे दिया होता है कि मतलब यू कैन होल्ड द राइट फॉर दिस फिल्म, बट उनके पास एक अलग होता है, दैट इज़ अ मोरल राइट्स और एवरीथिंग. वो अगर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर्स वो बता बनाते हैं कि नहीं भाई ये हमारे राइट्स है, तो दे कैन नॉट क्लेम कैट दैट इज़ देयर वर्क. दे मस्ट हैव एंड दे शुड गिव द क्रेडिट टू द ऑथर. बिकॉज एवरी टाइम वेन यू लिसन, कि हम अगर रेडियो में सुनते हैं या कहीं पे भी, तो लिखा होता है कि ये स्क्रिप्ट रिटन बाय दिस. और जो म्यूजिक बनाते हैं, सिंगर्स जो आते हैं वो परफॉर्मर आते हैं, बट जो म्यूजिक कंपोजर आता है उनका नाम भी आता है. भले प्रोड्यूसर कोई और है, बट उनको एक क्रेडिट दी जाती है और उसी के पास जो उनके पास जो राइट्स होते हैं वो ऑथर्स के पास होते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, काइंडली फॉलो बिलो मेंशन लिंक एंड सब्सक्राइब द अकाउंट.